एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ हमेशा मिलने का वायदा पूरा करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से लॉकडाउन के अंदर आप अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मोटिवेटेड रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस से ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ नेगेशन, यानी कि आपकी हेल्थ के लॉस का घर है। आप अपने अपने चार्ट्स को तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप हमसे कंसल्ट करते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो 9899289135 पे अपना टेलीफोनिक सेशन बुक कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए, देन वी विल लेट यू नो हाउ टू मेंटेन और कीप योर हेल्थ इन अ गुड फ्रेम। क्या ऐसे उपाय हैं, कौन सा आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके लग्न के अकॉर्डिंग आपको सूट करने वाले डाइट है, कौन सी आपके ब्लड ग्रुप को मैच करने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एनर्जी लेवल्स को हमेशा बूस्टअप रखेंगी और आपकी इम्यूनिटी को वो एक स्ट्रेंथ दे देंगी, यानी कि इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए। और अपने चार्ट को दिखाने के बाद आप अपने लिए बेहतर डाइट को चूज करने के लिए हमसे जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक सेशन, स्काइप, वीडियो कॉलिंग, किसी भी तरह से आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप जनरल रेमेडीज जानना चाहते हैं कि हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम, तो सबसे पहली चीज़ टू डू लिस्ट बनाइए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने डे को शेड्यूलिंग कर लीजिए। मैं मानती हूँ कि आजकल आप बाहर नहीं निकल रहे, बहुत कम और बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आप बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर आप अपना समय घर पे रह के भी शेड्यूल करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन रहेगी। आपको एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं कि अच्छी हेल्थ का फर्स्ट सीक्रेट इज डिसिप्लिन। जब आप डेडिकेट करते हैं अपने आप को उस रूटीन में डिसिप्लिन के साथ, तो आप मंगल को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मंगल की एनर्जीज जब आपके एनर्जीज में एक्टिवेट होती हैं तो आपको इम्यूनिटी से लेके कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। आप अपने एनर्जीज को वर्क करना सीख जाएंगे, चैनलाइज करना सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है अपने डे की रूटीन जब शुरू करते हो, प्राणायाम से कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग हमेशा आपके लंग्स को और आपके बॉडी को ऑक्सीजन देगी। इतनी ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन जो है वो ही हम लोगों को रेजुवनेट करती है, हम लोगों को एक अच्छा इम्यून सिस्टम देती है। साथ साथ में अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को लेके आइए। वो सब चीज़ें जिनका सेवन करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। यानी कि हमारे किचन में तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया जो है, भारत की जो संस्कृति रही है, ये शुरू से ऐसी रही है कि हम लोगों के घरेलू नुस्खे, हमारा आयुर्वेद ये नंबर वन पे रहा है विश्व में। आप लोगों के लिए हल्दी हर किचन में उपलब्ध है। हल्दी वाला दूध पीना सबसे आसान मैजिकल ड्रिंक, गोल्डन ड्रिंक जिसको कहते हैं, इसे बना के पीजिए। शहद आपके किचन में इसीलिए अवेलेबल है, आपको बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए। काली मिर्च आपके किचन में इसीलिए अवेलेबल है, तुलसी का पत्ता हर घर में मिल जाएगा, और मिंट अगर हो सके तो इसे भी इस्तेमाल करने की एक हैबिट बनाइए। जिंजर जो है इसको इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन टी आप अगर दिन में एक या दो बार ग्रीन टी पीते हैं तो ये भी एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। अब आते हैं ज्योतिषीय उपायों के ऊपर। ज्योतिष में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सेहत को एक बहुत अच्छे से सपोर्ट दे सकती हैं। सूर्य नमस्कार, जिसको मैं हर बार रिकमेंड करती हूँ, हर बार मैं आप लोगों को दोहराती हूँ कि सूर्य नमस्कार से अपने दिनचर्या शुरू कीजिए। सूर्य जो है ये हमारी सोल का कारक है। सूर्य नमस्कार के बाद में आप जब अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे प्राणायाम के साथ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आके बीमार कर दे। कोई भी ऐसी वायरस नहीं है जो आके आपको परास्त कर दे, पस्त कर दे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर जब वर्क कर लेते हैं, आप सूर्य के एनर्जीज के बीच में अपने आप को जब पूरी तरह से ऊर्जावान कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती।
सूर्य नमस्कार की रेकमेंडेशन मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सूर्य नमस्कार करना बहुत पसंद है, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर सूर्य पूजा से की जाए, सूर्य की एनर्जीज के सामने बैठ के प्राणायाम करने के साथ की जाए, तो दिन पूरा बहुत ही अच्छे से निकलता है। यानी कि आप एक एनर्जी जो एहसास करते हैं, जो एनर्जेटिक महसूस करते हो, वो आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखेगा, आपको पूरा दिन वो सुचारू रूप से चलाएगा। दूसरा रेमेडी इसमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो होती है वो होती है सिक्स हाउस से रिलेटेड आर्टिकल्स को अगर आप डोनेट करते हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप ऑर्फनेज में देते हैं या कुछ ऐसे लोगों को देते हैं जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और जो इनको अवेल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों की जब आप मदद करते हो तब भी आप सिक्स हाउस से जनित जो बीमारियां हैं, चीज़ें हैं, रोग हैं, उनसे काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। और एक मिल बांट के खाने की जो आदत आप डेवलप करते हो, ये आप में एक कंपैशन को भी डेवलप करती है, और वो कंपैशन लाइफ में हमेशा मदद करेगा, क्योंकि हर एक इंसान ने मिल बांट के खाने की अगर अपनी नियति बना ली या आदत डाल ली तो हमारी सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, हम लोगों में एक ह्यूमैनिटी आ जाएगी, हम में एक रिलीजन ऐसा डेवलप हो जाएगा जिसको एक ट्रू रिलीजन कहा जाता है, यानी कि मानवता अगर हम लोगों में डेवलप हो जाएगी तो इससे अच्छी गुणधर्म और क्या है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अपने लग्न को अगर आप रीड कर सकते हैं तो आप उसको उसकी गुण धर्म यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पे फायर साइंस है तो आपने ब्राइट कलर्स को पहनना है, अगर वहाँ पे वाटर साइंस है तो आप कूल कलर्स पहनिए जो सूदिंग कलर्स हों, अगर वहाँ पे एयर साइंस है तो आप नेचर से जुड़े रंगों को अपने शख्सियत के साथ अगर जोड़ के चलते हैं तो आपके एनर्जीज अपने आप में बेहतर कार्य करती है, आप पॉजिटिव रहते हो और आप हेल्दी रहते हो। अगर वहाँ पे अर्थ साइंस है तो आप नेचर अर्थ से जुड़े हुए कलर्स पहनिए, यानी कि वो कलर्स जो आप में एक स्थायित्व दें, और अगर इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के चलते हैं तो आप भी मेरी तरह पूरा दिन एनर्जेटिक, पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।